नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवन आई, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। ये दृश्य है अमरवाड़ा ग्राम पंचायत की गावगाड़ा छोटा, जहां पर पिछले एक साल से आंगनबाड़ी बनने का काम चल रहा है और इसका निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अभी भवन पूरा बना भी नहीं है और अभी से दीवारों में दरारें साफ देखी जा सकती है। सरकारी काम यहाँ किस गति से हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ आज तक कोई भी विकास कार्य ना तो पूरा हुआ है और ना ही गुणवत्ता हुई है। हालात ये हैं कि ग्रामीणों के सुनने वाला भी कोई नहीं है। अमरवाड़ा से राकेश चंदवंशी की रिपोर्ट। चिचली जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खला के ग्राम प्रेमपुर में तलैया में सुबह ग्रामीणों ने नवजात शिशु का शव पानी में तैरता हुआ पाया, जिसकी सूचना सरपंच पति श्यामलाल किरार द्वारा थाना डोंगर गांव को मोबाइल पर सूचना दी गई। पुलिस द्वारा शव निकालकर पोस्टमार्टम हेतु गाडरवारा भेजा गया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम करके जाँच शुरू कर ली है। गाडरवारा से अजय सोनी की रिपोर्ट। नवदुर्गा के पावन पर्व पर आस्था का केंद्र बना पलेरा की एक बड़ी देवी माता का मंदिर, जी हाँ, जो कि हिंगलाज माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। महिलाएं जल चढ़ाने के लिए पहुंचने लगती हैं। नगरवासियों के सहयोग से मंदिर के नए भवन का निर्माण कार्य भी किया गया, जिसमें हिंगलाज माता मंदिर एवं संतोषी माता की प्रतिमा विराजमान करने के लिए यज्ञ और संगीतमय भागवत महापुराण का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसका आरंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। भागवत पुराण 9 दिनों तक चलेगा। वहीं दूसरी ओर छोटी देवी जो कि शीतला माता और सभी मंदिरों के पास मेला लगा हुआ है, जिसकी रौनक देखते ही बनती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से मां के दरबार में आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। वहीं दूसरी ओर नगर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चंदेली कालीन से भी बहुत प्राचीन है इस मंदिर में, हिंगलाज माता का मंदिर है जी। और जब से पलेरा नगर बसा तब से माता इस मंदिर में विराजमान थी, वो रक्षा करती रही। काफी दिन से मंदिर हो गया था जीर्ण, तो लोगों के सतत प्रयास से इस नए नवीन मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसमें दो विग्रह पधार रहे हैं, एक तो माँ हिंगलाज और एक दूसरा संतोषी माता का मंदिर। तो ऐसी मान्यता है हमारे पलेरा ग्राम वासियों की, जब जब इस गाँव पर संकट पड़ा तो माता हिंगलाज का उन्होंने स्मरण किया और माता ने इस गांव के नगर वासियों का मनोबल पूर्ण किया। ये यहाँ पे पहले प्राचीन मंदिर था देवी का, तो जो है ये मंदिर की मूर्ति तोड़ दी गई थी एक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा, पागल व्यक्ति द्वारा। तो उस काम चार पांच लोगों ने चंदा कलेक्ट किया, नगर वासियों ने, पलेरा वालों ने सहयोग किया। दो साल तक बराबर मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। आज जो है मंदिर का भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है तथा एक कुमार अश्विनी कुमार मास में जो है नवदुर्गा में देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और मंदिर की लागत जो है करीब 25 लाख रुपया है। इसके अलावा सामग्री वगैरह, किसी ने टाइल्स, किसी ने पत्थर, किसी ने जो है, हाँ, सभी पूरे नगर के सहयोग से जो है मंदिर का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के सभी पटवारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पटवारी संघ से दतिया एसडीएम को एक ज्ञापन देते हुए कहा है कि यदि जीतू पटवारी 3 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो पटवारी संघ सामूहिक हड़ताल पर चला जाएगा। इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से हस्तक्षेप की मांग की गई है। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट। काम कर रहे हैं हम जो है, कई विभागों के जो है सारा काम ईमानदारी से करते हैं। इसके बाद मंत्री जी ने इस तरह का आरोप लगाया है तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और संपूर्ण प्रदेश में आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारी ये जो योजना है उसके अंतर्गत हमने मंत्री जी को 3 दिवस का टाइम दिया है। यदि मंत्री जी 3 दिवस में माफ़ी नहीं मांगते हैं सार्वजनिक तरीके से, सार्वजनिक रूप से, तो हम लोग कलमबंद हड़ताल पर जाएंगे। 28 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के एक कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार में शिरकत करने पहुंचे मंत्री जीतू पटवारी ने राजस्व विभाग के पटवारियों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद इंदौर की देपालपुर तहसील में पदस्थ 23 पटवारियों के आनन फानन में तबादले कर दिए। कलेक्टर के निर्देश पर तुरंत प्रभाव से ये सभी तबादले किए गए। इसको लेके मध्य प्रदेश की राजनीति में न्याय और घमासान शुरू हो गया है। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट।
नरसिंहपुर के गोटे गांव के ग्राम मवई पिपरिया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 7 वर्षीय मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई और हत्या का मामला यहां पर सामने आया है। घटना के अनुसार 7 वर्षीय राज अपने पिता रवि के साथ सो रहा था और सुबह जब उसके बड़े पापा ने देखा तो उसके गले में घाव था। मृत अवस्था में वो पड़ा हुआ था। बगल में ही उसके पिता सो रहे थे और तुरंत ही ग्राम कोटवार के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन बताते हैं कि मासूम राज की मां पिछले 15 दिनों से अपने मायके में है क्योंकि मासूम का पिता नशे का आदि है और अपनी पत्नी से झगड़ा करता है। इसी के चलते मासूम की मां अपने मायके चली गई थी। घर में अपने पिता के साथ राज सो रहा था पर रात में किसने उसकी हत्या की ये जांच का विषय है। हालांकि परिजनों की माने तो राज के पिता रवि बेहद नशे का आदि है और मानसिक रूप से पीड़ित भी है। अब पुलिस से पता लगाने में जुटी है कि या फिर मासूम की हत्या का जिम्मेदार उसका पिता ही तो नहीं है। राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट। ग्राम मवई पिपरिया के राज ठाकुर पिता रवि ठाकुर उम्र 6 साल इनके संदिग्ध परिस्थितियों में शव पाया गया था घर में। उनके बड़े पिता द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसके नाक मुंह से झाग निकल रहा है और उसको मौत पाया गया था। उसमें हम लोगों ने मर कायम करके जांच में लिया गया था। जांच में प्रारंभिक पूछताछ से शव पंचनामा से मतलब गले में चोट का निशान भी पाया गया, माथे में भी चोट का निशान पाया गया, उसी से संदेह हो रहा था। इस संबंध में उसके पिता रवि ठाकुर को बुलाकर उससे भी पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई। उसकी पत्नी जो करीब 15-20 दिन पहले घर छोड़ के चली गई थी अपने मायके, उसको भी बुलाकर पूछताछ की गई। उन सब पूछताछ से अंत में यह पाया गया कि इसने पत्नी के जाने से और बच्चे की परवरिश को देखभाल उचित तरीके से ना करना चढ़ के उत्तेजित होकर अपने बच्चे को गले में पहले गला दबाया, फिर गले में चाकू से वार किया है ना, और उसके बाद लकड़ी से माथे पे वार किया जिसकी वजह से उसके हेड इंजरी होने की वजह से मृत्यु हुई। भोपाल के बैरसिया नगर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रामलीला कमेटी के नेतृत्व में भगवान राम की बारात का आयोजन किया गया। भगवान राम की बारात सावलिया मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर रामलीला मैदान पहुंची, जहां पर विधि विधान के अनुसार भगवान राम एवं सीता का विवाह संपन्न हुआ। भगवान की बारात में क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री, नगर पालिका अध्यक्ष राजमल गुप्ता, पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर एवं बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। बैरसिया से राकेश तोमर की रिपोर्ट। अवैध हथियारों के मामले से बचाने के बदले में संदेही से 1 लाख रुपए मांगने वाले पुलिस वालों को लोकायुक्त ने धर दबोचा। मामले में प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी अनीता सराठे, ASI शेख अजगर अली और आरक्षक परवेज खान को निलंबित किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध हथियारों से संबंधित एक मामले में संदेही गुलबादशाह अंसारी ने 1 लाख की रिश्वत की मांग की थी। समझदारी का परिचय देते हुए संदेही गुलबादशाह ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी थी। वहीं पुलिस हथियारों से संबंधित मामले में उसे झूठा फंसा रही है और इसी के साथ ही बचाने के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग भी की गई। इस पर लोकायुक्त पुलिस ने गुलबादशाह को केमिकल लगे हुए 1 लाख रुपए दिए गए और ये राशि गुलबादशाह ने अपने पुलिस वालों को दी। संकेत मिलते ही लोकायुक्त पुलिस कोतवाली पर टूटती इससे पहले ही खबर मिल जाने पर रिश्वत के मामले में शामिल पुलिस वाले एक कार में सवार होकर वहां से भाग खड़े हुए। उक्त कार को 1 लाख रुपए के साथ उमर नाला पुलिस चौकी से बरामद किया गया, जबकि भ्रष्ट पुलिस अमला मौके का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। जानकारी मिली है कि गुलबादशाह ने रिश्वत के पैसे आरक्षक परवेज खान को दिए थे, वो भी मौके का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। इस पूरे मामले में प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी समेत 3 लोगों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित किया जा चुका है। छिंदवाड़ा से नकुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एक बेटी की चाह में लगातार 5 बेटियां पैदा करने के बाद पत्नी को पति द्वारा घर से निकाले जाने का एक मामला सामने आया है। बेटियों के साथ जनसुनवाई में पहुंची महिला ने पुलिस प्रशासन से पति के खिलाफ शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छतरपुर के नरसिंहगढ़ पुरवा में अपने माता पिता के घर दिन काट रही फरियादियों ने बताया कि उसका विवाह नौगांव थाना अंतर्गत लाहेरा पूर्वा निवासी हरिलाल कुशवाह से हुआ है। पति केवल बेटे की चाह रखता है और इसी चक्कर में उसने लगातार 5 बार उसे गर्भवती बनाया और 5 बार बेटियां पैदा होने पर उसे घर से निकाल दिया। ये मामला सामने आने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर ने महिला को पुलिस सुरक्षा में हिदायत के साथ ससुराल भेजा है कि यदि पति अपनी पत्नी को नहीं अपनाता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। पता चला है कि इस बाबत क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी ने भी उस अधीक्षक से बात की है। एक मनोज कुशवाहा करके महिला ने भी आवेदन दिया है जो थाना सुबेला क्षेत्र निवासी नौगांव थाना क्षेत्र ससुराल है। पति द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में शिकायत की गई, उसको थाने पहुंचाकर कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी विधिवत कार्रवाई कराई जा रही है।
विजयपुर क्षेत्र के गांव इकलौद में कुवारी नदी में नहाने गए बालक की डूबने से मौत हो गई है। मृतक का नाम आशीष शाक्य, 9 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। इसी के साथ ही बालक अपने साथियों के साथ नदी में नहाने गया था, तभी तैरते हुए वो गहरे पानी में जा पहुंचा और डूबने लगा। डूबने की वजह से ही मौके पर ही बालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों का रो का बुरा हाल हो गया है। इसी के साथ ही पूरे गांव में शोक की लहर है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए विजयपुर भेज दिया है। विजयपुर से कोकसिंह धाकड़ की रिपोर्ट। जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिरोंज तहसील के ग्राम खेजड़ा हली का है, जहां पर ग्रामीणों ने जनसुनवाई में आवेदन देकर शिकायत की कि सरपंच सचिव की मिलीभगत से फर्जी खाते खोलकर मजदूरों की राशि निकाली जा रही है। वहीं आवेदनकर्ता ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी मास्टर रोल तैयार करके ग्रामीण मजदूरों की राशि हड़प ली है। वहीं आपको बता दें कि शासन द्वारा रोजगार गारंटी में काम करने पर मजदूरों का 172 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाती है, जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं है। ये काम मनरेगा के तहत किया जा रहा है। मजदूरों के नाम पर मास्टर चढ़ाकर बाकायदा इसका फायदा भी उठाया जाता है। सिरों से बकार आजम की रिपोर्ट। हमारे ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच ने, दोनों ने मिलकर मनरेगा में घोटाला किया है। मनरेगा में उन्होंने घोटाला किया है मजदूरों का, फर्जी मेड़बंधन करके ग्रामवासियों का, तो मजदूरों पे फर्जी पैसा निकाला है। और जो भी प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं थी, वो जनधन खाते में पैसा डलने थी, वो पैसा सचिव महोदय ने और सरपंच ने गाँव के लिए निकाल कर खा लिया। इसकी आपने शिकायत की नहीं? जी सर, शिकायत की है मैंने। आज हम सभी ग्रामवासियों ने शिकायत की है श्रीमान ने ATM महोदय के यहाँ जन सुनवाई शिविर। क्या आश्वासन मिला आप? उन्होंने जो कहा इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। जी सर, अभी जो आवेदन आया है आप क्या कार्रवाई करेंगे? नगर दबोह में मूलचंद शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित श्री बांके बिहारी वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्री बांके बिहारी आश्रम में निवास कर रहे सभी वृद्धजनों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दबोह नगर परिषद अध्यक्ष रूपनारायण खटीक एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में दबोह नायब तहसीलदार रमाशंकर सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दबोह नगर पंचायत अध्यक्ष रूपनारायण खटीक ने कहा कि हमारे माता पिता अपने सुखों का त्याग करके पूरा जीवन अपने बेटों की खुशी में लगा देते हैं, और जब वो ही बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी ही संतानें उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे लोगों को समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। वहीं विशेष अतिथि के रूप में दबोह नायब तहसीलदार रमाशंकर सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति माता पिता तुल्य वृद्धजनों की सेवा करता है, वो सच्चे मन से अपने भगवान की सेवा करता है, और ईश्वर भी उसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सभी रास्ते खोल देता है। भिंड से राजा भैया पाल की रिपोर्ट। वाल्मीकि समाज जिला कलेक्टर तन्वी सुंदरयाल को मध्य प्रदेश महावाल्मीकि समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें कमलनाथ सरकार को सभी वाल्मीकि समाज द्वारा ज्ञापन, खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरयाल को महावाल्मीकि समाज द्वारा ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि अगर इस प्रकार की कभी भी भविष्य में घटना होती है तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि दलित समाज के 2 बच्चों की हत्या के विरोध में ये ज्ञापन दिया गया। मासूमों की हत्या के विरोध में फांसी की मांग करते हुए मृतक बच्चों के परिवार को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार में नौकरी की मांग की गई है। उस आक्रोश रैली के माध्यम से हम शासन प्रशासन से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार उन दो मुलजिमों ने, हत्यारों ने उन बच्चों को यह कहकर मारा कि हमें भगवान का आदेश है और इन राक्षसों को मारना है, तो क्या हम इंसान नहीं हैं? और कहा जाता है कि बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं, तो क्या एक भगवान दूसरे भगवान को मारने का आदेश दे सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की जनता से पूछना चाहता हूँ, यहाँ कहाँ का आदेश जो मासूम बच्चों की हत्या लट्ठों से पीट पीट कर की जा रही है, उसी के विरोध स्वरूप हमने यह रैली जिन समुदाय के माध्यम से ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय महामहिम के नाम। विदिशा के सरोंज के वार्ड क्रमांक 2 में स्थित शीतला माता मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बरसात लगातार होने से वहां पर पानी भर गया है, जिससे नवरात्रि में इस पावन अवसर पर महिलाओं को वहां पर जाने में परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर में पानी के निकासी की समस्या है। कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए वहां पर नाली बंद कर रखी है, जिससे वहां पर पानी की निकासी नहीं हो पाती है। वहां पहुंचने पर पता चला कि मोटर से वहां पर वर्तमान में स्थित पुजारी पानी निकाल रहे हैं। उन्होंने पूरी स्थिति बताई और पुजारी के घर में पानी घुसा हुआ है और ये उनको रहने में भी परेशानी आ रही है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति के चलते मंदिर की सेवा में तत्पर हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है।
सिरोन से वकार आजम की रिपोर्ट। ये शीतला माता मंदिर है, वार्ड नंबर 2 सिरोन में स्थित है। यहाँ पे जल भराव की समस्या है, उसकी समिति है कम से कम 20 साल पुरानी, जिसके पास की कुछ पैसा भी है पुराना निर्माण कार्य का, तो ना तो निर्माण कार्य हो रहा है ना ही पानी निकास की कोई व्यवस्था है। मंदिर की आप स्थिति देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।